चोरी की वारदात कर भागता हुआ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। खरगोन शहर के बिस्टान रोड स्थित किराना व्यवसायी की दुकान पर महज 5 दिन में 2 बार लगातार हुई चोरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर अंकुश लगा दिया है। हम आपको बता दें कि 5 दिन पहले द्वारकादास भंडारी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और पास में खड़े ट्रक पर चढ़कर दुकान की चद्दर हटाई और 50,000 की चोरी को अंजाम दिया। वहीं दूसरी बार गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि में गिरोह ने एक बार फिर उसी तर्ज पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें मालिक द्वारकादास की माने तो तकरीबन 50,000 की खाद्य सामग्री पर चोरों ने हाथ साफ किया है। इस बार चोर को भागते हुए सीसीटीवी में देखा जा रहा है। बहरहाल जो हो, लेकिन 5 दिन में एक दुकान से 2 बार चोरी कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाते दिख रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पिछले शनिवार रात को ही चोरी हुई थी सर, 30-40 हज़ार उस दिन चिल्लर ले गए थे, पर आज रात को भी हुई पर मेरे को मालूम नहीं पड़ा। पर जब घंटे बाद मेरे आदमी लोग आए, जब जाली खुली दिखी, जब मालूम पड़ा तो लैपटॉप वगैरह टीवी वगैरह तोड़ फोड़ के ऊपर छत पे फेंक गए और जो सामान ले गए उसकी गिनती नहीं है और गल्ले के जो चिल्लर थी बची हुई वो भी ले गए। कितनी चिल्लर ले गए? वो आज तो ज़्यादा ही नहीं थी सर, 1,500 की थी। और सामान में क्या क्या गया? सामान में सर घी के डब्बे या तेल के डब्बे गए हैं। अधिक मात्रा में गए? वो सब क्वान्टिटी तो नहीं थी मेरे पास, क्वान्टिटी पर 10-5-20 डब्बे के हिसाब से गए होंगे। चावल रहेंगे 2-4-5 कट्टे। हाँ सर, 40-50 हज़ार के आसपास अनुमान है सर। ये एक हफ्ते में 2 बार आपकी दुकान पे टारगेट करा है। हाँ सर, क्या मानते हैं सर? ये है कि देखा वाला आदमी है, वही आदमी है, और खरगोन का परखा आदमी होगा, यहाँ दुकान घुसता भी होगा सामान लेने के बाद, तो कैसे आना और कैसा जाना, इधर से माल सप्लाई करना है। आपकी इतनी बड़ी शॉप है, इसमें कोई सीसीटीवी लगे हुए हैं? आज कल काम ही चल रहा था उनका, आज कम्प्लीट होने वाले थे। पहले उसने सीसीटीवी पिछली बार बंद करे तो अपन कल कम्प्लीट ही करा रहे थे सर, मतलब सीसीटीवी तो 10 साल से लगे हुए हैं। बंद थे? हाँ, तो आज कम्प्लीट होने वाले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन शहर के शासकीय महाविद्यालय में